हे गाइस, हम लोग देख रहे थे सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन मैंने दे रखा था, अब सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीडली देखा जाएगा और जल्दी जल्दी क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, 21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्यूबिक लेटिस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये किसी भी बुक में मालूम चल जाएगा कैसे निकालते हैं। ठीक ना, तो देखो सिंपल क्यूबिक में क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ एटम्स 8 रहता है कॉर्नर पे। ठीक है, ये हो गया ऐसे और ये। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक विल बी कॉर्नर 8 इक्वल टू 8 8 कट जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे BCC में 2 होता है, बिकॉज कॉर्नर का हो गया प्लस 1 बॉडी सेंटर, प्लस 1 बॉडी सेंटर। ठीक है, तो इसलिए ये 2 होता है और FCC में 4 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि FCC में 4 कैसे होता है, 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के लिए, प्लस ये हो गया फेस सेंटर के लिए। किसके लिए, फेस सेंटर के लिए, तो टोटल हो जाता है 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये याद रखने में ज़्यादा फायदा। अब क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे थोड़ी ना FCC का एटम निकालेगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेगा। याद रखना सिंपल क्यूबिक का 1, BCC का 2, FCC का 4। ठीक है, जब पूछ रहा है लेटिस मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर किस में, FCC। ठीक है, 1 का सी। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल इन विच द रेडियस रेशियो इज। देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम थियोरी में लिखा हुआ रहता है, NCERT बुक उठा के पढ़ना। याद रखना सॉलिड स्टेट ऐसा चैप्टर है जो NCERT से भी पूछ सकता है। ठीक है, 2018 में JEE मेंस में 2 कॉपी NCERT से सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा है, शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, ठीक ना, तो इसलिए याद रखना। तो ये थियोरेटिकल है, लो रहता है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल इन विच द रेडियस रेशियो इज लो। ठीक है, 0.22 समथिंग से लेकर 0.4 के करीब होता है। ठीक है, तो ये वेरी लो हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अ सॉलिड एक्स प्लस वाई माइनस हैज अ BCC स्ट्रक्चर। देखो इसमें डायरेक्ट पूछ दिया ना BCC स्ट्रक्चर, तो BCC का एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 2। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयन इज 173 पिकोमीटर द एज लेंथ ऑफ द सेल। आर दे दिया है और क्या चीज, एज लेंथ दे दिया, एज लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, आर दे दिया, एज लेंथ पूछ रहा। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोच, ये याद रखना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स होता है BCC, सबका लिखा देता हूँ। ठीक है, BCC में होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स 4R = √3a, 4R = √3a, तो R = √3a/4। ठीक है, √3a/4 सिंपल क्यूबिक में याद रखना R = a/2। ठीक है, और FCC में याद रखना 4R = √2a, 4R = √2a, तो R = √2a/4, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं a/√2। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये याद रखना। ठीक है, पर अगर क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेगा, पर अगर डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेगा इन BCC, तो ये कहीं पे भी बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाता है √3a/2। याद रखना JEE 2017 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना, BCC में क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ दिया था। ठीक है, उठा के देख लेना पेपर। ठीक है, तो R = √3a/2। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक ना, कुछ चीज़ें हैं सॉलिड स्टेट में याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब कैसे निकला, वो निकालने निकले तो वो तो सॉल्व हो जाएगा, बट वहाँ पे बनाने का उतना समय नहीं रहता है। ठीक है, तो √3a/2 याद रखना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो बस हो गया, आर विल बी गिवन 173 पिकोमीटर, ये निकालना है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक ना, कैलकुलेशन तो उतना समय नहीं है, कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा। 173 × 2 / √3। ठीक है, / √3, तो देखो अगर √3 का आता है 1.717, तो इसे काट दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, अप्रोक्स इंटू 100, तो अप्रोक्स कितना दिख रहा है, 200 पिकोमीटर के करीब दिख रहा है। ठीक है, तो
आ गया होगा आंसर समझ में, आ गया होगा। ठीक है ठीक है, तो आंसर जो भी है इसका, ठीक है आंसर मैंने बता रखा है आंसर क्या चाहिए। ठीक है तो एक बार फिर से आंसर बता देता हूँ क्या चाहिए इसका आंसर। ठीक है तो थ्री का आंसर है एट। ठीक है 200 आ रहा है, थ्री का आंसर एट। ठीक है ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या चीज बोलते हैं, अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर। अ बाइनरी सॉलिड ए प्लस बी माइनस एज ए रॉक सॉल्ट, क्या चीज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ विल बी गिवेन एंड रेडियस ऑफ ए प्लस इज गिवेन एंड द रेडियस ऑफ ए माइनस। ठीक है तो रॉक सॉल्ट किसका होता है, NaCl का होता है। किसका, रॉक सॉल्ट NaCl का होता है। और डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ NaCl आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू ए बाई टू। याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ इसे और इसे याद रखो, नीट वाले जो भी है इसे याद कर लेंगे। ठीक है इंपॉर्टेंट है। ठीक है आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू ए बाई टू फॉर NaCl, रॉक सॉल्ट मीन्स NaCl। ठीक है तो ये हो गया। अब इस पे पुट करो, आर प्लस विल बी गिवन, देखो ए प्लस दे दिया है तो ए प्लस विल बी गिवन 75 पिकोमीटर, प्लस आर माइनस निकालना है, बी माइनस एन आयन का पूछ रहा है तो आर माइनस निकालना है, आर माइनस इक्वल टू ए दे दिया, एज लेंथ विल बी 400 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है डिवाइडेड बाई टू, तो टू से टू इसे काट दिए 200 हो गया और इसे उधर भेज दिए तो 200 माइनस 25 125, क्या 125, तो आंसर विल बी बी फोर का फीट। ठीक है